नमस्कार, मैं संजय बघेल। आप देख रहे हैं राष्ट्रमण के विशेष कार्यक्रम चर्चा, और आज हमारे मेहमान हैं शिवम बघेल, जो केवलारी क्षेत्र से हैं, किसानों के लिए काफी आंदोलन पहले कर चुके हैं, नहर की लड़ाई ही वर्तमान में लड़ रहे हैं, और सरकार से जहां पर किसान नहर से वंचित हैं उसकी आवाज उठाते हुए सरकार से नहर की मांग कर रहे हैं। तो शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये किस प्रकार से आपके दिमाग में ये योजना आई कि इस तरह से भी हम लड़ सकते हैं और किसानों के लिए नहर की मांग सरकार से कर सकते हैं? सबसे पहले तो राष्ट्रवान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब पिछले 5-6 सालों से एक तो मैं भी खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, 5-6 सालों से किसान के लिए बात रखना, मुद्दा उठाना मेरे मन में जब से आया है, मैं किसानों के लिए काम करता हूँ, तो उसमें देखा हूँ कि खेती या किसानी वही की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, जहाँ पे जितने जल्दी पहले से सिंचाई के साधन आए हैं, बने हैं, और खास करके नहरें। जैसे हम आज कहीं भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सक्षम आज पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, तो पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए हैं क्योंकि 1946 में आजादी से एक साल पहले भाखड़ा नांगल डैम बन गया था, वहां नहरें बन चुकी थीं, तो सिंचाई से वो सक्षम हुए। अपने मध्य प्रदेश में भी देखें तो तवा परियोजना से हरदा वाला क्षेत्र सबसे पहले सिंचित हुआ, आज वहाँ के किसान सबसे अधिक सक्षम हैं। हमारे सिवनी जिले की बात करें तो पलारी वाला क्षेत्र सबसे पहले नहरों से सिंचित हुआ है, आज पलारी क्षेत्र सिवनी के दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा वहाँ के किसान भी सक्षम हैं, समृद्ध हैं, और वो क्षेत्र भी ज़्यादा सक्षम है किसानी के मुद्दे के लिए भी। तो अब बात है कि हमारा एक दूसरा क्षेत्र है सिवनी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ से नहरें बनी हैं, माचा गोड़ा बांध की। तो हम ये है कि पिछले कुछ सालों से किसानों के जो खास करके मुद्दे हम सबसे अहम ये मान रहे हैं कि सिंचाई का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। आप किसान के लिए, खेती के लिए हम सिंचाई की व्यवस्था बनवा दें, किसान अपने आप को खुद समृद्ध कर लेता है, गांव समृद्ध हो जाता है, और फिर खास करके सिवनी जैसे जिला जहाँ पे कोई उद्योग तो है नहीं, यहाँ खेती ही है, खेती ही मुख्य व्यवसाय के रूप में, बिल्कुल, तो अपने आप से बेरोजगारी भी दूर होने लगती है, सक्षमता भी आ जाती है, और शहर भी समृद्ध होते हैं, गांव से कहीं पैसा आके और धीरे धीरे चल के और शहर तक आता है। तो सीधी सी बात है कि आय दुगुनी तो क्या 4-5 गुनी भी हो जाती है। तो हम यहाँ पे सीधे नहरों के विकास, नहरों के निर्माण और नहरों के जो आधुनिकीकरण है, जिससे क्योंकि पानी तो एक निश्चित मात्रा में है, कम मात्रा के जो पानी है और उसमें अधिक से अधिक कैसे सिंचाई हो सके, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। पिछले कई महीनों से हम नहर विकास सत्याग्रह के माध्यम से हम नहरों की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं। तो जब हमने पेंच परियोजना के बारे में अध्ययन किया, पेंच परियोजना में जो है पेंच डायवर्सन परियोजना, जिसका बांध चौरे क्षेत्र में बना हुआ है और जिससे हमारे एक सिवनी का एक बड़ा क्षेत्र सिंचित होता है, 25,000 से 28,000 हेक्टेयर रकबा में नहरें बनी हैं। तो जब उसका पूरा हमने कैलकुलेट निकाले तो यहाँ हमारे यहाँ के किसान ये सोचते हैं कि हमारे बगल के गांव में नहर आ गई है तो हमारे यहाँ भी अब नहरें आ जाती, तो वो आंदोलन करने लगते हैं। ये बात सही भी है क्योंकि किसान सोचता है कि कैसे भी करके उसकी ज़मीन सिंचित हो। तो हमने इसका पूरा कैलकुलेशन निकाले कि कैसे अधिक से अधिक इसमें और भी जमीन कैसे सिंचित हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं माचा गोरा बांध की। माचा गोरा बांध है 577 MCM का, पानी की जो इकाई नापी जाती है वो MCM से मापी जाती है, मिलियन क्यूबिक मीटर। एक मिलियन क्यूबिक मीटर मतलब 1 MCM में 1 अरब लीटर पानी होता है। तो ये जो बांध है 577 MCM का है, 577 MCM में से 410 MCM सिंचाई के लिए निर्धारित है, बचा 167 MCM पेंच जो जंगल वाला क्षेत्र है वहां के भी गर्मी में नदी में छोड़ा जाता है जानवरों के पीने के लिए, 167 MCM में से ही नागपुर के पीने का भी कुछ हिस्सा पानी इस बांध से जाता है, छिंदवाड़ा पेंच के बांध से नागपुर के हिस्से में भी पानी जाता है। हाँ, क्योंकि नागपुर नगर निगम की जो रिक्वायर्ड है अभी वो है 140 MCM की पूरे साल भर की, 140 MCM में से लगभग 60 MCM पीने का पानी इस बांध से जाता है। हालांकि नीचे भी इसी नदी में 2 बांध हैं, तो पहले उन बांध में भरा आता है और फिर उसके नीचे भी नागपुर से पीने का जाता है, पर हिस्सा इससे भी जाता है, लगभग 60 MCM।
इसके बाद छिंदवाड़ा पीने के लिए पानी रिजर्व है और चौड़े में पीने के लिए पानी भी रिजर्व है। और अब तो और ग्रामीण पेयजल परियोजना चल रही है उसके लिए भी वो 167 एमसीएम में से ही रिजर्व है। अब 410 एमसीएम जो सिंचाई के लिए रिजर्व है, 410 एमसीएम में से लगभग आधा पानी छिंदवाड़ा जिले के लिए है और आधा पानी सिवनी जिला के लिए है सिंचित करने के लिए। तो हम ये मान लें कि ये 200 एमसीएम लगभग सिवनी जिला के लिए निर्धारित है। अब 200 एमसीएम, लेकिन 200 एमसीएम के लिए नहरें बना दी गई हैं। हालांकि नहरें कैसी बनी है वो एक अलग विषय है, उनका अलाइनमेंट गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, टूटती हैं, फूटती हैं, गलत तरीके से बनी है, गलत मापदंड से बनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि हम देखें पूरे गांव में लगभग 70-72 गांव में जो 25 से 28 हजार हेक्टेयर का रकबा कंप्लीट करती है उतनी नहरें बना दी गई है, मतलब 200 एमसीएम पानी के लायक की नहरें बना दी गई है। अब 200 एमसीएम, लेकिन जब हमने ये यात्रा निकाले तो ये भी समझ में आया मुझे किसानों से बात करके, गांवों में गांव-गांव बात करके, कि यहाँ पे पूरे 200 एमसीएम पानी भी हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक एमसीएम से ओपन कैनाल में 130 से 170 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई होती है और वो भी रबी सीजन के पूरे 4 से 5 पानी। यहाँ किसी भी किसान ने नहीं बताया कि जहां से नहरें इंटर कर रही हमारे जिला में, एक है जो सिवनी कैनाल, सिवनी ब्रांच कैनाल जो है वो इंटर करती है पीपरडाही कोहका गांव से, और एक है बखारी ब्रांच कैनाल, वो इंटर करती है हमारे यहाँ हतनापुर किसान कन्हर गांव क्षेत्र से। तो वहां के भी किसानों ने नहीं बोले कि भैया हमको इससे पूरे 4-5 पानी रबी सीजन के मिल जाते हैं। मतलब किसानों को अभी भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आने के बाद मेरा तो शुद्ध आकलन ये है कि पूरे 200 एमसीएम में से भी सिमनी के साथ पानी का घोटाला है, पानी उतना नहीं मिल रहा है। एक तो हम स्पष्ट बात ये कर रहे हैं कि एक तो 200 एमसीएम की नाप के बात होना चाहिए डैम से। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं जी? इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो ऐसा है कि देखिए, जनता हर कोई इतनी सक्षम, पढ़ी लिखी और मांगने वाली नहीं होती है। ये जनता का काम है अपने जनप्रतिनिधि को चुनना, और हमने जब हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुन लिए हैं तो ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि इन सब चीजों में जो क्षेत्र के संसाधन हैं तो उन संसाधनों की रखवाली करना और उसको पूरे पूरे हक से, जो अपने क्षेत्र का हक है, उतना सही सही तरीके से दिलवाना। तो मैं इसमें सीधे तौर से जनप्रतिनिधियों का इसका जिम्मेदार मानता हूं। जब आपने यात्रा निकाले तो आपने शुरुआत की किसानों से, किस तरह से आपको मतलब कि रिस्पांस मिला करके, हाँ ये एक अच्छी पहल है और इसको करना चाहिए? हाँ, ये यात्रा में हमने सबसे पहले क्या हुआ कि एक तो हमें खुद समझना था, हमारे भी बहुत सारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्र हैं, सबसे पहले हम सिंचाई की जो नई तकनीकें हैं उनके बारे में जब हम जानने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहले हमें पता लगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2012 में खंडवा के कुनासा क्षेत्र में 35,000 हेक्टेयर के लिए कुनासा उद्वहन परियोजना, इसको असल में हिंदी में लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना। तो कुनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहीं पे लगी थी तो वो है खंडवा के कुनासा क्षेत्र में 35,000 हेक्टेयर के लिए, वहां एक कुनासा बांध है। तो हम उसको देखने के लिए गए, उसको देखे, उसका सिस्टम समझे, वहाँ के जो पंप हाउस हैं, पंप स्टेशन हैं, पंप हैं, पाइपलाइन हैं, और खेतों तक कैसे लाइन कनेक्शन गए हैं वहाँ तक देखे, और वहाँ से किसानों से भी रूबरू हुए, किसानों से भी हमने मुलाकात किए, और फिर किसानों से इसके बारे में उनके की 10 साल के जो अनुभव हैं 2012 से अभी तक के, कि आपको इनसे क्या लाभ हुए, उसके बारे में खुद किसानों से हमने सुने। फिर मध्य प्रदेश के और भी सारे जिलों में हैं, और 2003 से तो सरकार ने कंपलसरी कर दी है कि नहरें, नई जितनी भी सिंचाई पर नई सिंचाई परियोजनाएं आ रही हैं, स्वीकृत हो रही हैं, उसमें से ओपन कैनाल, ओपन नहरें बनाना ही सरकार ने बंद कर दी है। सरकार ने सीधे तौर पे, मध्य प्रदेश सरकार अब सीधे जो पाइपलाइन वाला सिस्टम है, माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन या प्रेशराइज्ड पाइप इरीगेशन सिस्टम कहते हैं, पूरा इसी से सिंचाई की परियोजनाएं बना रही है। तो ये बहुत सारे जिले में लग चुकी है। हमारे सबसे पास में माचागोरा का ही ऊपरी क्षेत्र है, अमरवाड़ा के 47 गांव जिसको जमुनिया केदारपुर क्षेत्र कहते हैं, वहां पिछले साल पाइपलाइन पूरी बिछ के कंप्लीट हो चुकी है, खेत खेत तक पंप हाउस, पंप स्टेशन सब लग चुके हैं, और उसका मई में ट्रायल भी हो चुका है।
तो आने वाले सीजन से वहाँ के किसानों को भी 47 ये योजना एक सफल रूप में है जो किसानों को फायदा देगी। हाँ, तो फिर ये जब हमने समझे इसके बारे में तो हमने पूरा कैलकुलेट लगाए कि कैसे इससे जो 200 MCM पानी है अब हमारे लिए तो निर्धारित हो चुका है। एक तो वो 200 MCM पानी नाप के मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि 200 MCM नहरों की जगह यदि हम इसको लिफ्ट इरिगेशन से इसमें कन्वर्ट करवा पाएं, इससे मांग कर पाए, इससे डिमांड रख पाए यहाँ के किसान, तो एक बड़ा क्षेत्र है। अभी जो 25 से 28 हजार हेक्टेयर का रकबा 70 से 72 गाँव में सिंचित हो रहा है, ये रकबा बढ़ के उतने ही पानी में 200 MCM में ये रकबा बढ़ के हो जाएगा 65,000 हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि 1 MCM से जहां ओपन कैनालों में 130 से 170 हेक्टेयर रकबा सिंचित होता है, तो ये पाइपलाइन वाले सिस्टम में वो रकबा बढ़ के 1 MCM में 330 हेक्टेयर हो जाता है, मतलब 2 से 2.5 गुना रकबा बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, 200 MCM पानी सिवनी के लिए है, तो 200 × 330 करते हैं तो 66,000 हेक्टेयर होता है। हमने इसको 65,000 हेक्टेयर मान लिए। 65,000 हेक्टेयर में जब हमने कैलकुलेट किए अलग अलग हल्का वाई पटवारी जो हल्का होते हैं उनके जो माप होता है हेक्टेयर का, तो इसमें 265,000 हेक्टेयर में 230 हल्के आ रहे हैं, मतलब 230 गांव। अब उन 230 गांव में मतलब 70 से 72 बढ़ के कितने हो गए, 230 गांव हो गए। तो 230 गांव में एक जो पानी की बड़ी डिमांड है नहरों की, एक जिसे हम लाल माटी क्षेत्र कहते हैं, मतलब कातलगुड़ी क्षेत्र से लगा के गोपालगंज क्षेत्र तक वहां के गांव भी शामिल हो रहे हैं, और इसके बाद जो हमारा कंडीपार वाला क्षेत्र है वहां के गांव भी शामिल हो रहे हैं, ऊपर से ये उड़े पानी इंदावाड़ी वाला क्षेत्र है वहां के गांव भी शामिल हो रहे हैं, वहां के किसानों की भी डिमांड है पानी की, उसके ऊपर फिर कलार बांकी वाला बलारपुर कलार बांकी वाला क्षेत्र है वहां के भी गांव इसमें शामिल हो रहा है, वो क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा 65,000 हेक्टेयर में। इसके बाद फिर बंडोल में नहरें तो बन गई हैं, पानी नहीं जाता है, पर वहां के जो क्षेत्र है बांकी के ऊपर के गांव वाले क्षेत्र है, बखारी के ऊपर वाला क्षेत्र है, बकोड़ा सिवनी दरबई वाला क्षेत्र, वहां भी सिंचाई के जो है सिंचाई हो सकती है 65,000 हेक्टेयर में, वो वाला हल्का रकबा भी आ रहा है। और फिर उसके नीचे मनोरी छिंदवार मारबोड़ी जाम पांजरा हिनोतिया पायली इन गांवों में भी नहरें नहीं बनी हैं। इस योजना से मतलब कि सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ जाएगा। हाँ, वो बढ़ जाएगा और एक बराबर पानी मिलेगा। इस योजना को लेकर आप किसी जनप्रतिनिधि से आपने कभी संपर्क किया है, कोई चर्चा की? नहीं, इससे देखिए जनप्रतिनिधि तो ऐसे है कि एक तो खुद तो उनको समझना था, मैं तो ये मानता हूँ, फिर भी ठीक है, वो जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा तो सीधा स्पष्ट कहना है कि यदि कोई हमारे क्षेत्र का विधायक है, जीत के आए हैं, तो वो किसके विधायक है? हमारे विधायक हैं। सांसद हैं तो हमारे सांसद हैं। किसकी सरकार है? तो हमारी सरकार है। हम किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री किसके हैं? तो हम किसानों के मुख्यमंत्री हैं। तो हम किसान एक मत होकर वो डिमांड रखना चाहते हैं। अब मैं अकेले बताने जाऊं, मैंने सीख लिया, पढ़ लिया, पूरे कैलकुलेट निकाल लिया और मैं अकेले बात करने जाऊं कि विधायक जी होना चाहिए, तो मैं अकेला पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। तो वहां के किसानों की ओर से डिमांड आना चाहिए। तो उन किसानों को पहले हम समझाने के लिए ही ये यात्रा निकाले। 19 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई थी लुघरवाड़ा ग्राम से और ये पूरे 9 अगस्त तक चली और इसमें हमने 230 गांव तक जाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, मैं ये मानता हूँ ईमानदारी से कि कुछ लगभग 10-12 गांव छूट गए हैं जहां पे हम नहीं जा पाए, बीच बीच के कुछ गांव, तो वहां से भी हम जाके अभी भी हम संपर्क करेंगे। तो ये 230 गांव तक हम किसानों से सीधे मिलने गए, किसानों से इसके बारे में बताए। हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, उस प्रोजेक्ट को पूरी यात्रा में हम लगा के चल रहे थे और किसानों को समझा रहे थे और किसानों से कह रहे थे कि इस तकनीक से यदि आप सहमत हैं, आप सिंचाई की इस तकनीक से सहमत हैं, तो आपके लिए फिर 18 अगस्त को एक बड़ी किसान महापंचायत है, वहां पर आप आइए, आपके क्षेत्र की बात आप ही रखिए कि हाँ हम यदि इसमें सहमत हैं, वहां पर हम आमंत्रित करेंगे हमारे क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायक महोदय को, विपक्ष होने के नाते हम कांग्रेस के कार्यालय में भी जाके आमंत्रण देंगे किसान महापंचायत के लिए। और अच्छी बात यह है कि सिवनी में जल उपभोक्ता तो इस महापंचायत में भाजपा को स्थान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? हम भाजपा के कार्यालय जाएंगे आमंत्रित करने और विधायक सांसद महोदय तो भाजपा से ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप किसानों को कितना समझाने में अभी तक कामयाब हुए हैं और क्या उनके तरफ से आपको रिस्पांस मिल रहा है? पहली बार के मान से मैं मानता हूँ कि हम बहुत अधिक समझाने में कामयाब रहे हैं। अभी भी हम सोशल मीडिया हैं और आपके माध्यम से भी बातें जाएंगी और क्या कहते हैं, एक तो हम खुद भी गए
अब जाते थे किसी भी गांव जाते थे, वहां पे 4-6 लोग मिल जाते थे। जब हम खेती किसानी और सिंचाई की बात करते थे तो लोग सिंचाई के लिए जागरूक हैं, वो समझ जाते थे कि ये अच्छी भावना से यहाँ पर आए हैं। तो वो खुद ही कहते थे कि एक काम करिए, आप हमारे गांव के फलाने भैया से मिल लीजिए या फलाने चाचा से मिल लीजिए, वो इस मामले में एक्टिव रहते हैं और गांव को जोड़ के रखते हैं, गांव के सब लोग उनके कहने पे चलते हैं। तो फिर वो उनके घर तक ले जाते थे। उन कुछ लोगों के हम नंबर भी लेके आए हैं ताकि व्हाट्सअप के माध्यम से हम उन तक जो कुछ परियोजनाएं चल रही हैं जोड़ सकें। हाँ, जोड़ सकें, उनसे हम फोन से भी संपर्क कर रहे हैं और बहुत सारे फोन हमारे पास आ भी रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारा जो नंबर है हमने उसको सार्वजनिक किए हुए हैं। और बहुत सारे जो गांव के साथी हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनके हमने व्हाट्सअप नंबर भी लाए हैं और उनसे उनके पास हम कुछ वीडियो परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको पहुंच रहे हैं और उनसे हमने रिक्वेस्ट करके आए थे कि हम आपके पास ये देंगे तो आपके गांव में भी आप समझाना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ एक्टिव लोग जिनके नंबर हमने लाए हैं, जिनके पास हम वो कुछ जानकारियां जान रहे हैं, तो उनके गांव में पहुंचाएंगे। तो मैं मानता हूं कि पहले ही प्रयास में, लगभग अभी तो 20-25 दिन हुए हैं समझाने के प्रयास में, तो हम बहुत कामयाब हुए। पहले आप कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस से ही किसान नेता के रूप में जाने जाते थे? नहीं, पहले मैं किसान था। 2017 में सबसे पहले हमारा मैंने एक 6 दिन की भूख हड़ताल किया था और उसमें आंदोलन किया था। तो उसमें पहले क्या हुआ था कि सोशल मीडिया से बहुत सारे छोटे छोटे हमारे जैसे जो किसान साथी थे, जो किसानों की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद कर रहे थे, तो वो जुड़े हुए थे आपस में, और यहाँ तक कि देश भर के भी साथी हमसे जुड़े हुए थे, लगभग हर राज्यों से और मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले से। तो हमने किसान आंदोलन किए थे। 2017 में हमारे बहुत सारे साथी किसानी के मुद्दे पर कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो मैंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया था और मुझे किसान कांग्रेस में प्रदेश सचिव का पद मिला था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ पे धान खरीदी वाला एक मसला आया था। पहले जो धान खरीदी होती थी वो धान खरीदी नहीं हुई थी, धान खरीदी केंद्रों में किसानों की धान पड़ी हुई थी, उसकी कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही थी, लगभग 1 महीना से पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर एक मक्का वाला मामला आया था कि मक्का में भी सरकार ने पहली बार ये हुआ था कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे हम, कांग्रेस की सरकार में मक्का का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था। तो फिर इन 2 मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात कांग्रेस पर रखा और एक जो कर्जा माफी वाली बात थी, जिस तरीके से वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा था, कि 10 दिनों में कर्ज माफ कर दें, हाँ, तो वो पूरा नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार सवाल कर रहा था। तो हमसे ऊपर जो लोग थे, हमारे अध्यक्ष या दूसरे लोग भी थे, वो बोल रहे थे कि इतनी चीजें तो नहीं हो सकती हैं, यदि पार्टी में है तो थोड़ा हमें दबके रहना पड़ता है सारी चीजें। पर मैंने नहीं माना, मैं सोशल मीडिया में लिखने लगा कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही। यहाँ तक कि हमने मक्का MSP आंदोलन जो 2018 में हुआ था, यहाँ तक कि कमलनाथ जी की जो सरकार थी 15 महीना की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें से सबसे पहले किसान आंदोलन सिवनी से शुरू हुआ था, केवलारी सिवनी से मक्का MSP आंदोलन, तो वो शुरू कर दिए थे। तब मैं कांग्रेस से मैंने फिर किनारा कर लिया था और कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अपन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े? नहीं, फिर मैं किसी राजनीतिक स्वतंत्र रूप से, मतलब कि मैं स्वतंत्र रूप से काम कर रहा, किसानों के संपर्क में रहते हुए आंदोलन और मतलब कि जो उनकी योजनाएं हैं उन्हें समझा रहा। हाँ, बिल्कुल। आगे क्या योजना है इस संबंध पे? आगे तो बस यही है कि हम यहाँ सिवनी जिला में 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन है, मतलब लगभग 10 लाख हेक्टेयर, 10 लाख एकड़। आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी ये अफसोस की बात है कि सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर जमीन में नहरें बनाई गई हैं। अभी भी 3-3.5 लाख हेक्टेयर में नहरें नहीं बनी हुई हैं। 50 लाख हेक्टेयर में तो चलो रबी सीजन की खेती नहीं होती है, धान वाला क्षेत्र है जो सीपेजिंग वाला है, पर 3 लाख हेक्टेयर में अभी भी नहरें नहीं बनाई गई हैं। सिवनी में इतनी अधिक मात्रा में वर्षा होती है कि इस हिसाब से तो यहाँ पे पानी का यदि सही मैनेजमेंट किया जाए वर्षा के जल का, और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नाले हैं, तालाब बनाने की संभावनाएं हैं, हाँ, तो सिंचाई का रकबा बढ़ा सकते हैं, सिंचाई की रकबा हम बढ़ा सकते हैं। हमारे सिवनी जिला का ही एक भाग हमारा बरगी में भी आता है, बरगी का जो बांध से हमारा सिवनी जिला डूबा हुआ है, वहां से भी चलो कुछ क्षेत्र ऊंचा है तो अब तो ऊंचा नीचा वाला सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन वाला सिस्टम है इसमें ऊंचे से ऊंचे क्षेत्र में भी पानी पहुंचता है।
अभी आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव है, तो क्या सरकार के मतलब कि किसानों को एकत्रित करके कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी? हम तो डिमांड रख रहे हैं, और मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि किसकी सरकार तो हमारी सरकार, और हम कौन है, हम किसान हैं तो हाँ, किसके मुख्यमंत्री, किसके विधायक तो हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे ही सरकार से मतलब जो किसानों के सहयोग करने के लिए और ये योजना को लाने के लिए बात कहेगा, उसके पक्ष में आप और आपके जो समर्थक किसान हो रहेंगे। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट स्तर की मीटिंग होती है मध्य प्रदेश सरकार की, जहां आप जनसंपर्क मंत्रालय की वेबसाइट में जाइए, ऐसे प्रोजेक्ट आपको 10-10 प्रोजेक्ट हर मंगलवार में पास होते हैं, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ के प्रत्येक मंगलवार को स्वीकृत होते हैं और पास होते हैं। तो ये भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं है, आप उसको ला दीजिए। हम तो पंचायत में भी ये फैसला करके जा रहे हैं मन बना के कि पंचायत में सारे किसान यदि सहमत होते हैं तो हम भी 2 मंगलवार का वक्त देंगे बकायदा। आप नहीं लाते हैं तो कांग्रेस से भी देख लेते हैं कि वो क्या वादा करते हैं, हालांकि वो तो विपक्ष है, वो तो कहेंगे कि हम बनवा देंगे, हमारी सरकार आएगी, लेकिन फिर भी पंचायत में 15 महीने की कांग्रेस सरकार में लेकिन आपने काफी मांगे की लेकिन पूरी नहीं हो पाई, फिर कांग्रेस पे दोबारा विश्वास जताना? नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं जताएंगे, कांग्रेस हमारी थी या उस हिसाब से तो हम नहीं जताएंगे। अब देखते हैं कि हम पंचायत में सभी किसान साथी किस स्तर तक, किस निर्णय पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि पंचायत में मतलब मेरे बस निर्णय अहम नहीं है, सारे किसानों के निर्णय अहम होंगे जो सामूहिकता से लिए जाएंगे। तो आप देख रहे थे शिवम अगिल को, जो किसान नेता हैं, सिवनी में किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्तमान में भी फिर एक नया आंदोलन के रूप में, पंचायत के रूप में एक नया आंदोलन करना चाह रहे हैं, और इन्होंने अपना कीमती समय दिया शिवम जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।